बेटे माया बेटे ये अचानक क्या हुआ था तुम्हें? अब ठीक तो हो? Are you feeling all right? डॉक्टर को बुलाना है? नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं। बेटे सिद्धार्थ यस डैड काम करो, तुम माया को घर छोड़ाओ। बेटे तुम घर जाओ, आराम करो, फिर कल परसों आ जाना। ऐसी कोई बात नहीं है, कहा ना मैं ठीक हूँ। या डैड शी इज परफेक्टली ऑल राइट, आप पूछिए ना आपने जो पूछना है। क्या कर दिए बेटे तुम मुझसे प्यार? हेलो अब जरा बाहर जाएंगे, मुझे इनसे जरा अकेले में बात करनी है। जाइए जाइए बाहर जाइए। या श्योर। रिलैक्स रिलैक्स। आई एम ओके, आई एम फीलिंग बेटर। घर में कौन कौन है? जी यहाँ मैं अपने मामा मामी के साथ रहती हूँ, और माँ वो पुणे में है, वहाँ मेंटल असाइलम में उनका इलाज हो रहा है। दरअसल पापा की मौत के बाद उन्हें अचानक पागलपन के दौरे पड़ने लगे, बहुत इलाज करवाई हमने, तो अब घर के जिम्मेदारी के साथ साथ माँ की देखभाल भी मैं ही करती हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम्हें इतनी कम उम्र में अपनी सारी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से एहसास है, और तुम्हारी बातों में आत्मविश्वास भी छलकता है, जैसे इस घर की बहू बनना तय हो चुका हो। क्या सिद्धार्थ ने तुम्हें इतना विश्वास दिलाया है? नहीं सिद्धार्थ ने नहीं, पर जैसे मैंने इस घर में कदम रखा मेरे अंदर ये विश्वास जागा कि कुदरत ने मुझे इस घर की बहू बनने के लिए ही बनाया है। बेटी इस घर की बहू के बारे में मैंने जो सोचा था तुम बिल्कुल वैसी हो। पता है जब पहली बार तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि हमारी बात अच्छी तरह से पहचान है, बहुत अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं। इस घर में आकर तुमने इन दीवारों को फिर से जिंदा कर दिया है। ऐसा करके तुमने मेरा मजाक उड़ाया सिद्धार्थ? नहीं कहीं तुम मेरे प्यार को रईस बाप के बेटे का टाइम पास ना समझ लो, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझे डर था कि कहीं सच्चाई जानने के बाद कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता था, समझी? इतना प्यार करते हो मुझसे? यकीन नहीं आता। ओके स्टॉप। क्या कर रहे हो तुम? अरे अपनी होने वाली बीवी से प्यार कर रहा हूं, किसी को क्या एतराज हो सकता है? एतराज तो नहीं लेकिन मुझे काम है माया से। बेटी पापा ये शगुन पहली बार इस घर में आई हो तो क्या खाली हाथ वापस लौटोगे?
उसकी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यह आशीर्वाद है। क्या हुआ बेटे? पता नहीं क्यों पापा, लेकिन ये कंगन जाने पहचाने से लग रहे हैं। एक अपनापन है इनमें। वो तो होना ही था। अपनों के जो हैं, ये कंगन तुम्हारी सास मीरा के हैं। अरे साहब, क्या ये वक्त है घर आने का है? और अगर वक्त पे घर नहीं आ सकते थे तो फोन कर दिया होता। फोन कर देता तो तुम्हें सरप्राइज कैसे देता? माय गॉड, माय गॉड, माय। अरे देवदत्त, यू कांट इमेजिन मैं कितना खुश हो गया तुम दोनों को यहाँ अचानक देखकर। लेकिन कम से कम अपने आने की खबर तो कर देता, मैं खुद चला आता है एयरपोर्ट पर तुम्हें रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट टाइम देंगे खबर। भाभी जी कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब, आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ। हाय अंकल। ओ कहीं का बेटे, हाउ आर यू? कनिका बेटे, मैं कितने सालों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। पिछली बार मिले थे लंदन में। अंकल उस बात को भी 3 साल हो गए। How are you? बस ठीक हूँ बेटे। मेरा दोस्त सिद्धार्थ का, where's my buddy सिद्धार्थ? सिद्धार्थ? अरे बेटे वो कहीं बाहर चला गया है, उसी का तो इंतजार हो रहा था। तभी तो उसके हिस्से की डांट मैंने खाई है। लगता है आ गया। मुझे यकीन है तुम लोगों को मिलकर वो बहुत खुश होगा। एक मिनट। एक मिनट अंकल। अंकल मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी। कम बैठिए, आइए। कनिका, कनिका कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने। हाँ कहाँ पे? बहुत प्लेजेंट सरप्राइज। तुमने अब तक संभाल कर रखी है कैसे? हाँ हाँ संभाल कर रखी है तुम्हारी याद को ताजा रखने के लिए। पर यू आर सो मीन, इतने महीने हो गए ना फोन ना मिल, क्यों इतने बिजी हो गए हो क्या? मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुमने इन्फॉर्म किया कि तुम यहाँ पे आने वाली हो? अच्छा ये बताओ अकेली आई हो, अंकल आंटी भी साथ में आए हैं? नहीं नहीं वो भी आए हैं, हम अपना सब कुछ वहाँ छोड़कर यहाँ इंडिया आ गए हैं सिद्धार्थ हमेशा के लिए। Really? That's great! सिद्धार्थ मैं अपना घर बसाने के लिए आई हूँ। आहा, यानी कि शादी करने के लिए आई? लड़का देख लिया उन्होंने, बताया भी नहीं। हे भगवान, उस लड़के को बचाना जिससे इसकी शादी होने वाली है, प्लीज। How dare you? तुम चाहे जितना भी चाहो तुम बच नहीं पाओगे। मैं? तुम भी कितने स्टूपिड हो ना, तुम्हें हर बात समझानी पड़ती है। अच्छा सिद्धार्थ बताओ कि ये सुनने में कैसा लगता है? क्या? मिसेस कनिका सिद्धार्थ नाथ। अच्छा
तो दिल की बीमारी का इलाज करने आए हो? ये इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांट का मेरा पहला केस होगा। भाई साहब, मैंने आप दोनों की दोस्ती देखी है, जिसे आप दोनों की शादियां भी जुदा नहीं कर सकी। हम इतने साल लंदन रहे, आपको और सिद्धार्थ को अकेले छोड़कर। इनके प्रोफेशन ने हमें अपना फर्ज पूरा नहीं करने दिया। भाई साहब, अब कनिका के रूप में हम अपना फर्ज अदा करना चाहेंगे। हाँ अमर, कनिका सिद्धार्थ को चाहती है। अब तुम अपने बेटे का दिल हमारी बेटी के हवाले कर ही दो। नहीं अंकल, सिद्धार्थ ने अपना दिल माया के हवाले कर दिया है। He loves माया। मैं तो सिर्फ उसकी एक अच्छी दोस्त हूँ और कुछ नहीं। कनिका, कनिका, सिद्धार्थ। अंदर आने के लिए दिखाओगे? आई एम सॉरी, प्लीज कम इन, कम इन प्लीज। नाराज हो मुझसे? तुम मनाने के लिए इतने प्यारे फ्लावर्स लेकर आए हो, तो कोई नाराज कैसे रह सकता है? देखो कनिका, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। कैसी दिखती है माया? मुझसे भी ज्यादा सुंदर है? कब मिलवा रहे हो उससे? परसों, एंगेजमेंट के दिन। कनिका, तुमको आना होगा। ऑफ कोर्स, यह भी कोई कहने की बात है? थैंक यू कनिका, थैंक यू सो मच। You know, I was so tensed. मैंने सोचा था कि excuse me. कल माया, हाँ मैं पहुंचता हूँ 10 मिनट में। ओके, बाय। सिद्धार्थ, लड़कियों को वेट कराना अच्छी बात नहीं होती। कम ऑन गो। ओके। कनिका, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें देर हो रही है, जाओ। ओके, बाय। बाय। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया अच्छा नहीं, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तो फिर क्या सोचा है तुमने?
किसके बारे में? कनिका के बारे में। उसके बारे में क्या सोचना, वो तो मेरी एक अच्छी दोस्त है, दैट्स इट। नहीं सिद्धार्थ, फिर भी तुम्हें सोचना तो चाहिए। मतलब मेरे से देखा तो नहीं है, पर इतने साल वो लंदन में रही है तो कोई ना कोई खास बात तो जरूर होगी उसमें। मतलब ये कि तुम्हारे स्टेटस के मुताबिक वो शायद मुझसे बेहतर हो। और तो और सिद्धार्थ, वो तुम्हारे पापा के सबसे खास दोस्त की बेटी है। ए, सिद्धार्थ, तुम तो नाराज हो गए। और क्या करूं, एक तो मैंने कनिका के बारे में तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताया, ऊपर से तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? मैं जानती हूँ सिद्धार्थ कि ऐसा नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है तुम पर और अपने प्यार पर। और तुम्हें जानने के बाद, पापा से मिलने के बाद, मेरा ये विश्वास और भी पक्का हो गया है कि तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। और ऐसे जन्मों के रिश्ते कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता। मैं जानती हूँ कि हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। गलत सोचती हो तुम, हमारे बीच कोई आ सकता है। कौन? हमारा होने वाला बच्चा। ये कंगन तुम्हारी सास मीरा के है। ये कंगन तुम्हारी सास मीरा के है। मीरा के है। मीरा के है।